आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब कभी आप अपनी YouTube वीडियोस को WEBM से MP4 में कन्वर्ट करने के बाद काइन मास्टर में एडिट करने के लिए डालते हैं, तो उसमें कुछ इस प्रकार का एरर मैसेज आ जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार होता है, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द वे दिस वीडियो क्लिप इज इनकोडेड। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है बिट कॉम्पैक्ट। तो चलिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में। यहाँ पर हम सर्च बार में टाइप करेंगे बिट कॉम्पैक्ट, BIDEO। नीचे नीचे आ गया है बिट कॉम्पैक्ट, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऊपर ही ऊपर आ गया है वीडियो टू MP3 कन्वर्टर एंड कंप्रेसर, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। हमारे यहाँ पर पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल है, इसलिए हम डायरेक्ट ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करते हैं, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, जहां पर ऊपर ही ऊपर लिखा है ट्रिम एंड कंप्रेस, इसके बगल में लिखा हुआ है कन्वर्ट टू MP4, इसके नीचे है बैच कंप्रेशन, इसके बगल में है वीडियो टू MP3, और इसके नीचे माई स्टूडियो और है ऑडियो कन्वर्ट। हम इस ऐप की हेल्प से हम हमारी वीडियो को कंप्रेस करेंगे। यदि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वीडियो कंप्रेस करने के बाद उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और वीडियो कंप्रेस करने के बाद ये काइन मास्टर में आसानी से चलने लगेगी, जिससे आप एडिटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिम एंड कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ट्रिम एंड कंप्रेस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपके फोल्डर आ जाएंगे, जहां आपकी वीडियो जिस भी किसी फोल्डर में रखी हुई है, आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे। हमारी वीडियो YouTube फोल्डर में रखी हुई है, तो हम YouTube के अंदर जाएंगे। यहाँ आप जिस भी वीडियो को कंप्रेस करना चाहते हैं, उस वीडियो को चुनेंगे। हमारी ये वाली वीडियो है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे नीचे आपको रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर 480 पिक्सल लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम 720 पिक्सल पर कर देंगे। अब 720 पिक्सल पर करने के बाद, हम यहाँ पर कोने कोने में आपको एक एरो का निशान दिख रहा होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। ये हमारी कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस होने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे होने दीजिए। ये आपकी वीडियो की साइज पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। हमारी वीडियो सक्सेसफुली कंप्रेस हो चुकी है। अब हम फिर से काइन मास्टर में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी वीडियो चल रही है या नहीं, हमारी वीडियो प्ले होगी या नहीं। तो चलिए चलते हैं काइन मास्टर में। अब हम मीडियाज में जाएंगे और जहां भी हमारी वीडियो कंप्रेस होकर आई है, हम उस फोल्डर में जाएंगे। हमारी वीडियो यहाँ पर है 1 बिट कॉम्पैक्ट फोल्डर में, हम यहाँ पर ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी हमारी वीडियो है। हमारी तीसरे नंबर की ये वीडियो है, हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर ये कुछ वार्निंग बताएगा, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसे ओके कर देंगे अब और यस पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं हमारी वीडियो चलेगी या नहीं।
पिछली वीडियो में तो मैंने देखिए आपको हमारी बताया वीडियो था। चल रही है, तो इस प्रकार से आप अपनी वीडियोस को काइन मास्टर में ओपन कर सकते हैं और आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस एरर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।